अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों को मैं सुबह स्कूल छोड़ आई थी, उसके बाद अभी मैं घर आई थी तो कुछ घर के थोड़े बहुत काम थे वो करी, कपड़े वगैरह धोने थे वो सारा कुछ करके अभी बच्चों के यहाँ पे कपड़े रख दिए हैं क्योंकि उनके स्कूल से लाने का टाइम हो गया हुआ है। छोटे का फीटर बना के भी रख दिया है और मैं अभी जाऊँगी तो जल्दी से उन्हें ले आऊँगी। रूम भी थोड़ा सेट किया था लेकिन अब वो आ जाएंगे तो फिर रूम जो है दोबारा बिखर जाएगा वैसे भी, तो अभी मैं उन्हें लेने जाती हूँ। बाहर धूप ही आज भी, तो जब बच्चों को लाने के लिए कोई 5 मिनट रह जाते हैं तब अभी सुबह तो मैं उनको वॉक करती हुई छोड़ के गई थी, वो भी मेरे साथ चल के गए थे, तो अभी जो है मैं भाई के साथ जा रही हूँ, वो मेरे साथ जाएगा और बच्चों को हम लेके आएंगे, बाइक पे ही ले आएंगे। धूप बहुत निकली हुई है अभी तो बहुत गर्मी होगी बाहर, तो जल्दी से अब जाके हम उन्हें ले आएंगे। शूज़ मैंने पहन लिए हुए हैं, फटाफट मैं अबाया पहन लूँगी ताकि उन्हें जल्दी से लाएँ। तो मैं बच्चों को लाने के लिए निकल रही थी, बाहर देखिए धूप, कल इतना अच्छा मौसम हो गया आज अचानक से फिर धूप निकल आई है। वैसे हल्की हल्की हवा चल रही है, हवा ठंडी है। लेके आने के लिए मैं खड़ी हुई यहाँ पे, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। स्कूल से आ गए थे, इनका यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाया था तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, अभी उठी हूँ तो इसे खाना खिलाया है, दूध इसने आते ही पी लिया था तो अभी खाना खिला के तो अभी फारिग होने लगी थी, तो इन्होंने कहा कि हमें चिप्स बना के दें, तो अभी इनको वो आलू के जो चिप्स होते हैं जिनके ऊपर बेसन लगा देते हैं ये, क्योंकि बहुत फटाफट से बन जाते हैं तो इनको बच्चों को वो बना दिए हैं। ये बहुत एक इजी और क्विक स्नैक है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, पकौड़े भी नहीं बनते हैं रोज़ रोज़, तो मैंने कहा चलें ये है, उसमें ज़रा ज़्यादा मेहनत लगती है और खैर बच्चे इतने खाते भी नहीं हैं, ये चीज़ ज़्यादा से खा लेते हैं। आलू किसी भी आप चीज़ में बना दो काट दो तो वो खा लेते हैं शौक से बच्चे। इनकी एकेडमी का, इनकी ट्यूशन का पता करने जाना था मैंने कि क्या लेंगे फ़ीस वगैरह, तो मैं अभी जा नहीं पाई हूँ क्योंकि ये मैं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम्स इनके फ़ाइनल 3-4 माह में हो जाने हैं, तो उससे पहले पहले चलें, इनकी थोड़ी सी अच्छे प्रिपरेशन हो जाए, तो इनकी ट्यूशन का पता करने जाना। अभी गई नहीं हूँ बाहर, काफ़ी गर्मी है तो मैं कह रही थी कि चलें थोड़ी सी, यहाँ तो है थोड़ा ज़्यादा शाम हो जाए फिर भी नहीं निकला जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, कल इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था और आज फिर वही हाल है, फिर वही गर्मी और वही धूप इतनी शिद्दत की है, तो जैसे मौसम ठीक हो जाएगा तो सुकून आ जाएगा। ये बच्चे अभी भी बेचारे स्कूल से आते हैं तो इतना पसीने में भीगे होते हैं। अभी यहाँ पर इसकी गेमें शुरू हो गई हैं, क्योंकि ना आलू उसको लेने के लिए भेजा था तो वो बड़े बड़े साइज़ के आलू ले आए हैं, तो चिप्स इतने इतने बड़े साइज़ के बने हैं, वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया इनमें, साइज़ इन चिप्स में जो साइज़ है ना वो छोटा अच्छा लगता है। इनको ये चिप्स बना के दिए हैं तो अपने लिए मैं चाय रखने लगी थी, तो साथ जो गैस का सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया और गैस इतनी मुश्किल से मिल रही है और जहाँ से मिल रही है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं, ये तो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी हुई हुई है, तो अभी अब भाई को भेजा है कि हमें वो गैस सिलेंडर भरवा के ला दो फिर चाय बनेगी, फिर कहीं पीऊँगी तो जाके कुछ सुकून आएगा, नहीं तो सुबह से काम अंदर कर रहा हो ना, मैंने सुबह एक कप पिया था और फिर दोपहर में दिल कर रहा होता है कि पीऊँ, लेकिन अब ये अचानक से सिलेंडर ख़त्म हो गया, वो भी मामा कह रही थी चलो शुक्र हो गया, सुबह जब बच्चों ने स्कूल जाना था तब नहीं ख़त्म हो गया, फिर बड़ा प्रॉब्लम होना था, अभी हो गया है अभी भर जाएगा, तो सुबह ईजी हो गया, इनका फटाफट से नाश्ता बना देंगे तो ये स्कूल चले जाएँगे। अभी बच्चों ने सब कुछ खा लिया था तो मैं इनके ये बैग्स की जो ट्रॉलियाँ लगी हुई थी पीछे तो वो मैंने उतारी हैं अभी, कुछ खुद उतारी है बड़ी मुश्किल से, एक भाई को कह के उतरवाई है, तो ये ट्रॉली लगी हुई थी तो फिर बच्चे जो है ना उनको ये ज़्यादा ही वेट लगता था ट्रॉलीज़ के साथ ना, तो मैंने फिर वो उतरवा दिया, मैंने कहा खैर अभी इतने छोटे बच्चे हैं इनको अभी ट्रॉली की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बैग पकड़ के इनके लाने होते हैं। अभी मैं इनको डायरीज चेक कर रही थी कि जो काम इनका रहता है वो मैं इनको करवा लूँ ताकि फटाफट, फिर बाकी जो पेंसिल्स वगैरह हैं वो जितनी भी रेजर्स पेंसिल्स शॉर्पनर हैं वो इनको स्कूल में नहीं कहा गया हुआ लेके आने के लिए, वो उन्होंने पैसे ले लिए थे स्कूल वालों ने और कि हम लोग जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ स्कूल में ही देते हैं तो वो वहीं पे इनको पेंसिल्स वगैरह देते हैं, फिर जो बाकी घर में वर्क वगैरह करवाने के लिए मैंने इनके अलग बैग में रखी होती हैं वो ये स्कूल नहीं लेके जाते हैं, इनके जो ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं वो भी यहीं घर पर ही होते हैं, ये बस ये है कि पहले ये ट्यूशन जा रहा था तो वहाँ पे ये लेके जाता था, आ जाओ लिजैन, तो ये मैंने सारी की कलर्स और ये जो जो मैट्रोबैक्स वगैरह यहाँ पे रखे होते हैं ताकि ये घर आए तो इनको काम करवा लिया जाए, आ जाओ बेटा बैठो,
अब ये आ गए हैं मैं। बेटा दरवाज़ा बंद कर दो ना, लाइट बड़ा इशू कर रही है, बहुत तंग कर रही है, चली जाती है जब मर्जी। हाँ जी अपनी बुक्स खोलो, डायरी भी पहले खोलो ना। और बच्चे जो है माओं के पास बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, तो ये सबसे मुश्किल काम होता है इनको पढ़ाना, क्योंकि ये ज़्यादा लाड में रहते हैं ना, तो इसलिए अपनी माओं के पास तो पढ़ते ही नहीं। चलो अभी जी दोनों को बड़ी मुश्किल से बिठाया हुआ है। अलीजान इसको बताओ, अलीजान इसको बताओ। तो ये जो बड़ा है ये जल्दी पिक कर लेता है, छोटा जो है ये जिद में आ जाता है, रोता है ना, तो इसलिए पढ़ता नहीं ध्यान से। हाँ वेरी गुड। हाँ आरिज आप भी बताओ भाई को देख के। हाँ जी हाँ हाँ वेरी गुड। ये जी मेरा बैठी हुई हूँ, ये थोड़ा सा काम अपना कंप्लीट कर ले। ये अभी चला गया हुआ था, उठ के कहता था मुझे पानी पीना है। फ़ोन क्यों लेके आए हो? ये ख़राब है, ये रख दो इधर। अलीजान आप क्यों रुक गए हो? पढ़ो लिखो ना जल्दी से, वर्क कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर खेलने दूंगी मैं। हाँ जी जल्दी से कर लो अपना कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक है, अल्लाह के लाख खजाने। आज आपसे ना एक छोटी सी बात करनी थी। बात ये करनी थी कि मैंने कुछ दिन पहले ना वीडियोस देखी जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं, जो बच्चों को बच्चे हो बच्चियां हो उनको रेप कर देते हैं। देखिए ये माँ बाप जो पैदा करते हैं ना, जिनकी औलाद है, बाप है माँ है, उसके लिए ये रिश्ते हैं, ये बच्चे बहुत प्यारे बच्चे तो फूल है ना। और जिनके बच्चे होते हैं उनसे पूछो उनको, वो तो ना जिंदा में ना मुर्दा में। मैं उस दिन एक औरत की वीडियो देख रही थी और उसका बच्चा गुम हो गया था और वो सबसे अपील कर रही थी। तो यकीन करें मैं अपने जो दो नवासे हैं मेरे दोनों छोटे, तो मैं सोच रही कि ये हमारी नज़रों से ही बाहर खेलते हो, मैं पास कुछ तो ये गली में खेल रही हूँ, मैं चेयर्स पास रख लेती हूँ। यकीन करें मेरी हर टाइम नज़र इन पे होती है। बच्चों का ध्यान रखना, हर टाइम बच्चों की निगरानी रखना। एक वक्त था कि आपके नेबर में भी कोई किसी ने कहना ना बच्चे खेल रहे होते थे, आज़ाद हो के माँ बाप ने बेफिक्र हो के नेबर में रिश्तेदारों में बच्चे भेज देने। यकीन करें मैं ये नहीं कहती सारे एक जैसे हैं, लेकिन यकीन करें ये बातें देख के ना अब दिल डरता है, अब अपने सके रिश्तों से दिल डरता है। और अल्लाह हर बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और उन लोगों के बारे में क्या बात करूँ जो ऐसे काम करते, पता नहीं अल्लाह ने उन लोगों के दिलों में एहसास ही नहीं डाला। अल्लाह करे इन जैसे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून बन जाए। यकीन करे मैं कल सोच रही मैं क्या तो ना दुख होता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून हो जिसमें बच्चों के लिए कोई ऐसा कानून हो। तो बस सफ़ार मेरे मुल्क को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी यकीन करे मेरी दुआ है कि दुनिया के हर कोने में जहाँ इंसान बसते हैं, जहाँ इंसानियत है, अल्लाह उन माओं का जहाँ जहाँ दुनिया के जिस हिस्से में भी माएँ आबाद है, अल्लाह उन बच्चों को उन माओं का दिल ठंडा रखे। और उनके उनकी बेसिकली उनकी आंखों की ठंडक उनकी औलाद है, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, माँ बाप का साया सर पे सलामत रखें। यकीन करें कि मैं आपसे सच कहूँ, मैं आज इन दो यतीम बच्चों को देखती हूँ, बाप नहीं है इनका, फौत हो गया है, तो मैं सोचती हूँ कि यतीमी भी जो है ना, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, जो अल्लाह करता है बहुत बेहतर करता है, वो हम लोगों की सोच से भी बेहतर से बेहतरीन कर देता है। लेकिन यकीन करें बाप के बगैर भी बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं, माँ बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। अब ये माँ है, ये माँ का साया सलामत रहे, मेरी बेटी का साया, और अल्लाह इसको बस मेरी ये दुआ है अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। और पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा ज़रूर बने जिसमें इन बच्चों की हिफाजत हो। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह तो बस जी मामा ने बहुत अच्छी बात की है, और अल्लाह करे ऐसे कानून हमारे मुल्क में ज़रूर बनने चाहिए। और सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब बच्चे अब बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, अब ये छोटा सा दूध भी मांग रहा है, अभी मैं इससे जाके दूध देती हूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में। या बेटा एक मिनट ना, एक मिनट खिलाते नहीं,
अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे फेसबुक का पेज है वो उसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मेरे पेज को फॉलो करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।